प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला फर्रुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का है, जहां बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी उसके साथ कई बार गैंगरेप किया। इस दौरान जब बेटी गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया गया। हालांकि इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद मां के होश उड़ गए और पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सर, फर्रुखाबाद में एक लेखपाल है, सरकारी लेखपाल, जिनकी बेटी ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया, क्या पूरा मसला है और कहां मुकदमा दर्ज है, किस तरीके से कार्रवाई होगी? फतेहगढ़ कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रवेश तोमर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ, वो लेखपाल हैं, उनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप उनकी पुत्री के द्वारा लगाए गए हैं। दी गई तहरीर में तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत हो गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि तथ्यों के आधार पर शीघ्र से शीघ्र और सही कार्रवाई उसमें की जाए। क्या गिरफ्तारी होने की संभावना है इनकी? अगर साक्ष्य मिलते हैं तो निश्चय ही गिरफ्तारी होगी। वहीं अलीगढ़ जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता पड़ोसी के घर टेलीविजन देखने गई थी, इसी दौरान युवक ने अकेले का फायदा उठाते हुए तमंचे के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित युवती ने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। यो, आप किस लिए यहाँ पर थाने पर आई हुई? हमारे लड़की के साथ अपराध किया। किसने किया था? समोली के लड़के ने। क्या नाम है? शकील। कितने बजे घटना थी? ऐसे 9:45 की रात। अब आपकी जो बेटी कहाँ पर है? हमारी लड़की थाने। अच्छा, ये घटना के अंजाम के और भी साथ थे लोग? और भी साथ कोई भी ना है, हमारी लड़की है कही, हमारे जेठ के यहाँ पे आई, वहाँ से गेट लगा लिया, हाथ के झाले से बुलाई थी, और इसके साथ में ढाटा मार के नहीं है, उसका ढाटा लगा लिया तो जबरदस्ती ये पटक दिया, इसके साथ में बुरा हुआ कर्म करा। फिर आप ये थाने पे तहरीर लेकर आए हो? हाँ, हमारा रिपोर्ट करने लिए आए। FIR दर्ज होगी आपकी? हाँ, कर दूंगी। नहीं, हो जाएगी? अभी हो जाएगी, हाँ कह रहा हूँ। आप लड़की की कौन लगती हो? मम्मी लगते हैं। आपका? सलीम। कहाँ के रहने वाले? गिरफ्तारी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई साहब, हमारे साथ वारदात हुई, हमारी लड़की के साथ, हम रिपोर्ट करने के लिए आए थे, अब रिपोर्ट हमारी नहीं ली अभी। कब की घटना है? रात की। कितने बजे? 10:30 बजे की बात। कौन लोग थे? बस संभालते हैं, हम तो संभाल लेंगे। नाम क्या है? लड़की का सचिन। एक से कितने लोग? एक साथ। कहाँ आइए, अब आप कब से आए? पैर के लिए आए? हम सुबह गए हुए हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 17 वर्षीय महिला जो है, लड़की, उसका रेप जो है उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था, शकील, उसके द्वारा किया गया है। उसमें पीड़िता ने आकर के मुकदमा लिखवाया था और मुकदमे के आधार पर जो है उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी गई है और उसको जेल भेज दिया गया है और आगे की जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में बलात्कार और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार और अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।